देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नौजवानों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर यह गुस्सा पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, वहीं आज भी ट्रेंड कर रहा है नो जॉब नो वोट। इसका मतलब अगर सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देती है तो उन्हें वोट भी नहीं दिया जाएगा, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या तमाम राज्य सरकारें। अगर युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देती है तो उसे कृपया वोट ना करें। संदेश जनहित में जारी, नो जॉब नो वोट, ऐसा ट्वीट लगातार देश के बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं। वहीं एक यूजर जयंत जोशी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि नो जॉब नो वोट, जॉब नहीं दे सकते तो आपको हम शिक्षित युवाओं से वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। एक दूसरा ट्विटर यूजर पदम सिंह लिखते हैं, आखिरकार प्रदेश के बेरोजगार छात्र अपना गुस्सा इस हैशटैग के जरिए निकाल रहे हैं, सरकार को अब तो समझ जाना चाहिए। इस तरह से लगातार रोजगार को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में मोदी सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी की आलोचना की। आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टिक द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्त संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसात्र ऋण संकट से छोटे और मंझूले क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वहीं कुछ महीने पहले जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में आत्महत्या करने वाले 1,39,123 लोगों में से 10% ऐसे थे जिन्होंने बेरोजगारी से तंग आकर ये कदम उठाया था। यानी यदि साल 2019 की बात करें तो हर रोज करीब 38 बेरोजगारों ने खुदकुशी की थी। आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगार लोगों की आत्महत्या का यह आंकड़ा पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा है। पिछले कोविड संक्रमण की वजह से मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद यह संख्या और भी ज़्यादा हुई है। बेरोजगार युवकों की आत्महत्या का ये आंकड़ा किसानों की आत्महत्या से भी ज़्यादा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि देश की जीडीपी निचले स्तर पर जा पहुंची है, नौजवान रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, काबिल होते हुए सभी परीक्षा पास होते हुए हजारों नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि सरकार पूरी तरीके से हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है और इसका कारण नोटबंदी जैसे रातों रात लिए गए फैसले हैं, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया। आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।